नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बैठे कुछ ऐसे गूगल कर रहे थे, देख रहे थे, इतने में हमने एक बार ये देखने की कोशिश करी कि ये जो कंपनियां हैं कॉस्मेटिक की, जो दवाएं दे रही हैं, जो कॉस्मेटिक बेच रही हैं, इनका क्या टर्नओवर रहता है, कितना बिजनेस इनको मिलता है इंडिया में। तो साथियों, मैं देख के हतप्रभ रह गया। एक बहुत बड़ी बालों की दवा देने की चेन है जो दवा देती है बालों की, अंग्रेजी आयुर्वेदिक सब देती है। जब मैंने उसका टर्नओवर देखा तो 1800 करोड़ रुपए, उसकी बैलेंस शीट का थोड़ा सा नज़र मारी हमारे, तो 1800 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर था। जब मैंने इतना टर्नओवर देखा तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या जो ये सब तेल आते हैं, क्या जो ऑयल्स आते हैं, क्या वास्तव में ये इतना काम करते हैं कि 1800 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर दे जाते हों। लेकिन हकीकत मेरे सामने थी, मैं उसको काट नहीं सकता था, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इतना टर्नओवर देते हैं ये समझते हुए कि ये फौरी फायदा करते हों, लेकिन ये कोई परमानेंट फायदा नहीं करते। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसा नुस्खा आपको बताऊं कि आप में से जो लोग ये 1800 करोड़ या 2000 करोड़ के किसी कंपनी के टर्नओवर के भागीदार हों, तो वो उसकी भागीदारी ना करके आप अपने परिवार की सेहत के लिए उस पैसे की भागीदारी करें। तो इस सोच के साथ आपके सामने मैं बात रखता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा बालों को खूबसूरत कर देने के, खूबसूरत का मतलब हो गया यहाँ पे मुलायम, सीधे। आप लोग हेयर स्ट्रेटनिंग के महंगे महंगे रोलर चलवाते हैं, गरम गरम रोलर चलवाते हैं जो आप पूरे बाल खराब हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने का जादुई नुस्खा आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो इससे पैसा बचे ये नुस्खा करके और वो सब तेल ना खरीद के, वो आप अपने परिवार के तालीम और खान पान में लगाएं, जो कि आप लगाएंगे भी, लगाते ही हैं आप। मैं आपको वह जादुई नुस्खा बताता हूँ। बालों का एक बहुत बड़ा विषय होता है, हर व्यक्ति चाहता है उसके बाल खूबसूरत हों, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने बस में उसको महसूस नहीं करता, अपने कंट्रोल में महसूस नहीं करता है कि वो बालों को अच्छा कर पाए। मैं हर छोटे से छोटे व्यक्ति, अगर आपकी तनख्वाह 5000 रुपये महीना है तो भी आप ये नुस्खा कर सकते हैं, और आपकी तनख्वाह 5 लाख या 50 लाख रुपये महीना है तो भी आप ये नुस्खा कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा प्रयास हमेशा रहा है, चाहे मैं दवा देता हूँ, चाहे मैं किसी से बात करता हूँ, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मैं बहुत बड़े परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ, छोटे परिवार का व्यक्ति हूँ। हालांकि मेरे परिवार में सोच बड़ी रही, लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मुझे वही रहता है कि कम पैसे में कैसे काम बने। तो मैं उसी विषय में आपको बताना चाहता हूँ, बताता हूँ आपको बालों को काला घना खूबसूरत रखने का जादुई उपाय। उपाय बहुत आसान है, चलते हैं उस सफर पर जो कि आपके बालों को बहुत खूबसूरत बना देगा। उपाय छोटा सा है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको एक देसी अंडा लाना है, एक देसी अंडा लाइए, ब्रायलर नहीं, देसी अंडा, फार्मी नहीं, देसी अंडा लाइए। थोड़ा सा अंडा लीजिए, अंडे को तोड़ लीजिए, अंडे को तोड़ के उसको फेंट लीजिए। फेंटने के बाद उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल दीजिए, 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए उसी एग में जो कि आपने फेंट के रखा है, और उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए, और इसको फिर जितना अच्छा हो सके फेंट लीजिए। फेंट के जो आपका मिक्सचर तैयार हो उसको आप अपने हेयर्स पे लगा लीजिए, और उसको आप आधा घंटा हेयर्स पे लगा रह दीजिए। यह आप संडे के संडे कर सकते हैं,
और यकीन मानिए आधा घंटा बाद जब आप बाल धोएंगे तो आप देखेंगे आपके बाल इतने खूबसूरत हो गए कि जैसे सिल्क होता है, जैसे रेशम होता है, यहाँ जो केराटिन प्रोटीन होता है यह ऐसे हो गया कि जैसे सिल्क होता है। और देसी अंडा मैं आपसे किस लिए कह रहा हूँ, देसी अंडा इसलिए कह रहा हूँ कि देसी अंडे में बदबू नहीं आती है। देसी अंडे में बदबू नहीं आती है, इसलिए आप देसी अंडे ले लें और उसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लें। आप देखेंगे कि आपके बाल वैसे ही रेशमी हो गए जैसा आप ख्वाब में सोचते हैं, सपने में सोचते हैं, वो भी केवल 12 रुपए का देसी अंडा मिलता है। एक चम्मच तेल मान लीजिए 2 रुपए का वो खर्चा हो गया और एक नींबू 1 रुपए का हो गया। हम लोग तो छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ ये सब इतने रेट का मिलता है। आप हो सकता है बड़े शहर में हो तो 1-2 रुपए ज़्यादा मिले, लेकिन 15 रुपए से ऊपर आपका बजट नहीं जाएगा। 15 रुपए में आपके बाल अगर काले घने हो रहे हैं तो आपका पैसा वसूल है। और इस नुस्खे को करिए और हमको बताइए, इसको संडे के संडे करिए और हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नुस्खे के बाद आपके बाल रेशमी हुए कि नहीं। बाल आपके रेशमी हो जाएंगे और आप अपने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और जो जीवन की लड़ाई है, जीवन की लड़ाई है, उसको आप भली भांति और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ पाएंगे। ये एक छोटा सा नुस्खा है साथियों, चंद एक मिनट में बात ख़त्म हो गई, लेकिन ये आपको बड़ा लंबा काम करेगा। हमें इस पर राय जरूर दीजिएगा, आपने करा तो आपको कैसा लगा, ताकि तमाम साथी इससे बेनिफिट पा पाए और उनको भी उचित मार्गदर्शन मिल पाए। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, इस YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को शेयर करा है, वीडियोस को शेयर करा है, तभी तमाम लोग जुड़े हैं। आज 170,000 सब्सक्राइबर है, जिसमें से आप भी एक हैं, आपका परिवार भी होगा मुझे पता है, आपने दोस्तों को भी मोटिवेट करा होगा। तो आपका यह प्रयास है जो आज हमारा चैनल एक सम्मानित परिधि में आता है YouTube पर, और आपको मैं इसके लिए पहले धन्यवाद देता हूँ और इस वीडियो में साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आपको यह प्रयास हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी दुआओं के साथ हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। आपका साथी, आपका दोस्त डॉक्टर उमंग खन्ना। धन्यवाद।